तीन दामाद की सास पार्ट टू। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी तीन घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं, अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी, तब क्या करोगी तुम तीनों। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे, अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है, प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या। हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं, आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपने बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियाँ शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गाँव में जाकर रहने की क्या ज़रूरत है इन तीनों को। वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है, अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी, हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ, हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ, 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊँ बेटा, पहले तो बेटियाँ खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे, थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ, अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊँगा। क्या करूँ बेटा,
इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं। और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्जा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए 1 आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्जा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं, चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे, अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो, कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर औरतों जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी, अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है।